हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड। सो मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक वीडियो, जिसमें कि मैं आपको यहाँ सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंसेस। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स बताए हुए हैं और बताए हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप देख सकते हैं मैंने 1, 2, 3 इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैं यहाँ आपको समझाती हूँ इनके रूल्स एक बार फिर से, कि अगर ही शी इट्स सिंगुलर्स है तो आपको डज नॉट का यूज़ करना है। आई वी यू दे अगर आता है कहीं भी तो आपको डू नॉट का यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। नंबर वन, नाराज ना हो, डोंट बी एंग्री। वैसे इसमें बी है, ये बी का सेंटेंसेस भी हम इसको बोल सकते हैं, डोंट बी एंग्री। नंबर टू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ या मुझे क्रोध मत चढ़ाओ, डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर। नंबर थ्री, मैं गाना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। नंबर फोर, ऐसी शरारत फिर न करना, डोंट डू सच अ मिसचीफ अगेन। नंबर फाइव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई डोंट अग्री। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर सिक्स, किसी को धोखा ना दो, डोंट चीट एनीबॉडी। नंबर सेवन, ज़िद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न। एक वर्ड और आता है इसमें ऑब्स्टिनेट, जिसमें ज़िद्दी कहते हैं जिसको हम, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं, डोंट बी स्टबर्न। नंबर एट, गुस्सा नहीं कीजिए, डोंट बी एंग्री, या फिर आप इसको कैसे कहेंगे, डोंट लूज़ योर टेम्पर। डोंट बी एग्री, डोंट लूज़ योर टेम्पर। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ भी सकते हैं और इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जा कर के आप देखिएगा वीडियोस में, 1, 2, 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बनाए हुआ है, आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। इस तरह से आप ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।